हेलो फ्रेंड्स, मैं सिर्फ शब्बीर हुसैन एंड यू आर वाचिंग फिजियो टॉक। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे ऑस्टियोमलेशिया और ऑस्टियोपोरोसिस के डिफरेंस के बारे में। दोस्तों, हमने ऑस्टियोमलेशिया के ऊपर और ऑस्टियोपोरोसिस के ऊपर डेडिकेटेड वीडियोस बना रखी हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हुई लिंक से आप वो डेडिकेटेड वीडियोस देख सकते हैं, जिसमें हमने ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है, उसका डायग्नोसिस किस तरीके से किया जाता है, उसके सिम्टम्स क्या होते हैं और उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, साथ ही ऑस्टियोमलेशिया क्या होता है, उसका डायग्नोसिस कैसे किया जाता है, उसका सिम्टम्स क्या होते हैं और उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, ये आपको उन डेडिकेटेड वीडियोज़ में बताया गया है। तो वो आप भी वीडियो देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हुई लिंक से वो वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि ऑस्टियोमलेशिया और ऑस्टियोपोरोसिस के बीच में डिफरेंस क्या होता है, क्योंकि कई बार एग्जामिनेशन में भी ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि राइट द डिफरेंस बिटवीन ऑस्टियोमलेशिया एंड ऑस्टियोपोरोसिस। तो आज की वीडियो में यही चीज़ आपको एक सिंप्लीफाइड वे में एक्सप्लेन करेंगे कि ऑस्टियोमलेशिया और ऑस्टियोपोरोसिस के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो इस वीडियो को एंड तक देखना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। दोस्तों, ऑस्टियोमलेशिया और ऑस्टियोपोरोसिस दोनों ही ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारी जो बोन हेल्थ है वो अफेक्टेड होती है, यानी कि जो बोन है वो हमारी वीक हो जाती है, फ्रैक्चर के लिए ज़्यादा ससेप्टेबल हो जाती है। अब बात करते हैं इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। दोस्तों, ऑस्टियोमलेशिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारी बोन जो है वो वीक हो जाती है, क्योंकि विटामिन डी की कमी हो जाती है हमारी बॉडी के अंदर, जिसकी वजह से जो कैल्शियम है वो बोन एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, यानी विटामिन डी की कमी की वजह से हमारे बोन के अंदर कैल्शियम और फॉस्फोरस एब्जॉर्ब नहीं हो पाते। अब जब कैल्शियम और फॉस्फोरस जब एब्जॉर्ब नहीं हो पाएंगे तो हमारी जो बोन है वो वीक हो जाएगी, ईजीली ससेप्टिबल हो जाएगी फ्रैक्चर्स के लिए, और आपको आपकी हड्डियों में दर्द देखने को मिलेगा और बोन्स फ्रैक्चर के लिए ज़्यादा ससेप्टिबल हो जाएंगी। अब बात करते हैं कि ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है। ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है कि जो बोन डेंसिटी है वो कम हो जाती है और बोन वीक हो जाती है, यानी बोन पोरस हो जाती है, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि आपकी बोन्स वीक हो जाती है और फ्रैक्चर्स के लिए ससेप्टिबल हो जाती है। मतलब आप दोनों के बीच का डिफरेंस ये समझ सकते हैं कि जो ऑस्टियोमलेशिया है वो बेसिकली न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी की वजह से होता है, क्योंकि विटामिन डी कम हो जाता है जिसकी वजह से कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं हो पाता और फॉस्फोरस एब्जॉर्ब नहीं हो पाता। जबकि आपका जो ऑस्टियोपोरोसिस है वो हार्मोनल चेंजेस की वजह से होता है, पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन के अंदर आपको देखने को मिलता है, तो एज रिलेटेड फैक्टर भी उसमें आ जाता है। तो जो ऑस्टियोमलेशिया है वो बेसिकली न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी की वजह से होता है, और जो आपका ऑस्टियोपोरोसिस है वो हार्मोनल चेंज और एज रिलेटेड फैक्टर्स की वजह से आपको देखने को मिलता है। पर दोनों के जो सिम्टम्स हैं वो थोड़े बहुत सिमिलर हैं, जैसे कि पेन आपको देखने को मिलता है, आपकी बोन ईजिली फ्रेजाइल रहेंगी, ईजिली फ्रैक्चर होने के चांसेस रहेंगे। तो इस तरीके से ऑस्टियोमलेशिया और ऑस्टियोपोरोसिस के बीच में डिफरेंस रहता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो में आपको ऑस्टियोमलेशिया और ऑस्टियोपोरोसिस के डिफरेंस समझ में आया होगा। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपनी वैल्यूबल फीडबैक नीचे कमेंट सेक्शन में देना मुझे बिल्कुल ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग फिजियो टॉक।